WHO के अनुसार 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर की जरूरत। देश में अभी ये आंकड़ा 1:1500 का। देश में 4.5 लाख डॉक्टर्स की कमी। महामारी फैलने से पहले ही ये सवाल उठ रहा था कि कोरोना वायरस अगर भारत में महामारी का रूप लेता है तो देश के पास क्या इतने डॉक्टर हैं कि वो इस वायरस के साथ लड़ने में सफल हो सकें। भारत में डॉक्टरों की भयानक कमी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 41.32% डॉक्टर्स की कमी है। राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवर जैसे जाने माने टीवी जर्नलिस्ट भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी को लेकर ट्वीट्स करते रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के साथ अब हेल्थ केयर वर्कर्स में भी संक्रमण की रफ्तार जोर पकड़ रही है। राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन के कारण हेल्थ वर्कर्स पर कोरोना का असर हल्का है, लेकिन फिर भी उन्हें 14 से 21 दिनों तक काम से दूर रहना पड़ता है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। नतीजन हर रोज 4000 से ज्यादा मौतें पूरे देश में हो रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा भी आज भारत में ही देखने को मिल रहा है। देश में आज विशेष रूप से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 2 लाख नर्सेज और 1.5 लाख डॉक्टर्स की आवश्यकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर्स की इस कमी को पूरा कैसे करें। देश के जाने माने कार्डियक सर्जन और नारायणा हॉस्पिटल्स के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के मौजूदा हालात पर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि देश के डॉक्टर्स की कमी को बस कुछ नियमों में बदलाव के साथ पूरा किया जा सकता है। देश में मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर डॉक्टर सेट्टी कहते हैं कि आज तकरीबन 2.2 लाख नर्सेस हैं जो देश के अलग अलग कॉलेजों से GNM और BSc की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और फाइनल एग्जाम होने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी प्रशिक्षित नर्सों को कोविड ICU में 1 साल काम करने की इजाजत दी जा सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी। 25,000 से अधिक युवा डॉक्टर्स विभिन्न चिकित्सा और सर्जिकल विशेषताओं में ट्रेनिंग समाप्त करने वाले। NMC को इन्हें भी 1 साल कोविड ICU में सर्विस देने की शर्त के साथ डिग्री देनी चाहिए। 1.3 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट डॉक्टर्स NEET PG की तैयारी के लिए घरों में बैठे। PG के लिए 35,000 सीट्स हैं, जिससे 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स PG की सीट नहीं ले पाएंगे। उन सभी को 1 साल कोविड ICU में सर्विस देने की शर्त के साथ ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। इसके अलावा करीब 1 लाख डॉक्टर्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट हैं और भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 1 साल कोविड ICU में सर्विस देने के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। हाल ही में मोदी सरकार ने फैसला लेते हुए फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स को सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में काम करने की अनुमति दी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही है, वहां हेल्थ वर्कर्स की कमी लगातार बढ़ रही है। इस कमी को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की मदद से कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। खुद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी सरकार से उन्हें मौका देने की अपील कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री पहले ही इस मामले के हक में सरकार से अनुरोध कर चुके हैं और कई राज्यों के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को हॉस्पिटल में काम करने की अनुमति भी मिली। इन्हीं सबको देखते हुए जल्द ही मोदी सरकार से भी इस मामले में सकारात्मक फैसले लेने की उम्मीद है। मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसे कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले हर हाल में पूरा करना जरूरी है। इसके साथ साथ हमें भी इस महामारी से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए बताए गए नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें।